इसलिए चाय ले लेना। मैंने नहीं हथियाया गुलाबों का घर, इनफैक्ट मुझे मजबूरन इस तबीले में रहना पड़ रहा है जो कि हमारी गुलाबों और राम प्यारी का घर है। हमें बिहान और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मुझे घर से बाहर निकाला था एंड इट वाज इंटेंशनल मूव फ्रॉम माय साइड, बट मुझे नहीं पता था कि मेरा साथ देने मेरे पतिदेव बिहान भी आ जाएंगे। ओके पर अच्छा क्या चाय वाय बनाई जा रही है, क्या हो रहा है, चटका वटका लगे क्या? बिल्कुल, ये छोटे से हमने काउशेड को अपना घर बिल्कुल बना लिया, इसमें सारे राशन पानी एंड चीनी आटा दाल सब्जी सब कुछ हो गया है, आ चुका है, ये किचन बन चुका है, चूल्हे पे मैं खाना बना रही हूँ, हम लोग सो रहे हैं घास फूस पे, मतलब बिल्कुल एक गृहस्थी बसा लिया हमने काउशेड में। तो बिहान को मैं चाय दे रही होती हूँ, पूजा से अवॉइड कर रहे हैं, मतलब आपको आप लोगों को बाहर ही और अंदर आने? बिल्कुल, मुझे पता चला है कि घर में शिव जी की बहुत बड़ी पूजा होने वाली है एंड एज थपकी इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, सबको पता है कि मैं पूजा में ज़रूर शामिल होना चाहती हूँ, पर बाहर जैसे कि बोर्ड लगा हुआ है कि परायों को अंदर आना मना है और माँ ने जिस तरह बेइज्जती करके मुझे इस घर से बाहर निकाला है, मुझे नहीं आता कि बिहान की भी बहुत बेइज्जती हुई है मेरे साथ साथ, क्योंकि वो मेरे साथ आना चाहते थे तो मुझे बिल्कुल मना किया है, वर्जित है मेरा अंदर जाना। तो यही होता है कि सब लोग आ रहे होते हैं बाहर, तो मैं बस बाहर से ही मैं सोचती हूँ कि हॉल के गेट से बाहर खड़े होकर पूजा में शामिल हो सकती हूँ मैं, इट डजंट मीन कि मुझे अंदर जाना पड़े, वो तो मैं बाहर से भी देख सकती हूँ, पर श्रद्धा बोलती है कि अगर पूजा में आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर पूजा में शामिल होना है तो जितने भी लोग आएंगे जितनी भी लेडीज़ आएंगी वो अपनी चप्पल जूते उतारेंगे तो उसको सजा सजा के एकदम संभाल के रखना है और उसकी बैठ के रखवाली भी करनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सिट हियर और अंदर आप पूजा का यू नो आनंद ले पाओगे और शामिल हो पाओगे उसमें। तो थपकी रही सीधी शादी। थपकी बेटा ये क्या कर रही हो, छोड़ो छोड़ो, घर में इतनी बड़ी पूजा है, तुम जूते चप्पलों में लगी हुई हो। आंटी जी कोई बात नहीं, ये भी तो एक तरह से घर का ही काम है, आप प्लीज अपने जूते चप्पल यहाँ उतार दीजिए। तो मैं सबके जूते चप्पल संभाल रही हूँ, सब ख्याल रख रही हूँ उनके जूतों का, जस्ट बिकॉज मुझे पूजा से बाहर नहीं जाना है। तो आपको बिहान का देसी रोमांस टाइप नहीं हो गया, काउ शेड में और पर चाय बन रही है? एक्चुअली दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई लास्ट शो जिसमें हमने बहुत सारी सिक्वेंसेज ऐसे किए हैं कि काउ शेड में इवन हमारा बहुत सारे रोमांटिक सीन्स काउ शेड में हमारे शूट हो चुके हैं पहले, बिकॉज वी वर प्लेइंग अ लव स्टोरी देयर एंड आई डोंट थिंक सो इट्स रोमांटिक, इट्स मे बी रोमांटिक फ्रॉम व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमारी तरफ से रोमांस बिल्कुल नहीं है, बहुत परेशान हूँ मैं तो इस काउ शेड में, गर्मी लगती है, मच्छर काटते हैं, पर लास्ट हमने सिक्वेंस एक ऐसा किया जिसमें मुझे अंधेरे से डर लग रहा होता, अकेलापन लग रहा होता है कि फैमिली आज मेरे साथ नहीं है, मैं सब सोच रही होती हूँ, तो बिहान जाके मेरे लिए जुगनू पकड़ के लाते हैं ग्लास में, तो वो जुगनू उड़ाते हैं एंड आई थिंक व्यूअर्स को ये रोमांटिक ज़रूर लगेगा, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक रोमांस नहीं है।